ओके बच्चों, तो हमारा लास्ट टॉपिक था मानसिक स्वास्थ्य। हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा था? मेंटल हेल्थ स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या था? मानसिक स्वास्थ्य रहने पर व्यक्ति अपने परिवेश में भली प्रकार से सामंजस्य कर पाता है। यानी कि अगर जो व्यक्ति है वो मेंटली 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 क्या है, हेल्दी है, ठीक है, तो वो क्या कर पाता है? अपने सरकमटेंसेस से, अपने इन्वायरमेंट से क्या है, अच्छी तरीके से उसमें सामंजस्य बैठा पाएगा, ठीक है, और अपने परिवार की तथा अपने समाज की उन्नति के लिए कोशिश भी करेगा, ठीक है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपने अपने परिवार की और अपने समाज की उन्नति के लिए भी क्या करेगा, कोशिश करेगा। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है सामंजस्य करना, सिर्फ क्या बैलेंस बैठाना, सामंजस्य करना एंड बैलेंस रखना, ठीक है। यह एक संव्यवहार है, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और अनुपय स्थायी विन्यास बनाए रखने की योग्यता है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझकर अपने को अनुकूल बना लेता है, ठीक है। क्या है जो स्वस्थ मेंटली जो हेल्दी पर्सन है, मानसिक स्वस्थ जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या करेगा? जैसी स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढल जाएगा या उस स्थिति को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, ठीक है, उस स्थिति से दूर नहीं भागेगा वो, ठीक है। फिर आपने इसमें पढ़ा था मनोशारीरिक संबंध, जिसे कहते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अनुसार क्या था कि हमारी जो बॉडी है वो पूरीतः माइंड पे क्या करती है, निर्भर करती है, वैसे ही हमारा जो माइंड है वो बॉडी पे निर्भर करता है, ठीक है। इसमें क्या बताया था, जैसे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को मानसिक मानसिक क्या है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसे सडनली क्या है, उसे रक्तचाप उसका बढ़ जाए, ठीक है, अगर उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा तो साथ ही साथ उसका क्या होगी, मानसिक क्रियाएं बढ़ जाएंगी और उसे चिड़चिड़ापन और उदासी उत्पन्न हो जाएगी। वहीं दूसरी जगह क्या है, अगर अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई चिंता या मानसिक कोई भी परिश्रम वो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका शरीर भी एकदम से थकान महसूस करेगा, ठीक है, और मतलब कि उसे और भी क्या होंगी, फिजिकली प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। जो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें अन्य फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्या है, हमारा बॉडी माइंड का एक क्या है, रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें पढ़ा था, आपने इसमें पढ़ा कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे होम एनवायरनमेंट पे निर्भर करेगा, फिजिकल हेल्थ पे निर्भर करेगा, मेंटली पेरेंट्स पे निर्भर करेगा, और सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स और लैक ऑफ अनसक्सेसफुल एंड द स्ट्रेसफुल कंडीशन। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसके घर का वातावरण जैसा होगा उसका बच्चे का मानसिक विकास उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर उसके घर में उसको प्यार से, दुलार के, स्नेह से उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, और अगर व्यक्ति को विपरीत, यदि बच्चे को तिरस्कार, दोषपूर्ण अनुशासन और दोषपूर्ण माता पिता के समाज वातावरण मिलेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि फिजिकल हेल्थ, अगर बच्चे की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता का मानसिक रोग से ग्रस्त होना, यानी कि अगर बच्चे के माता पिता जो है वो मेंटली इल है तो भी क्या होगा, उस बच्चे को मेंटली होने की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है, अनुवांशिकता की वजह से। नेक्स्ट है मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स, यदि बालक की प्राइमरी नीड्स को पूरा करा गया है, जैसे भूख, प्यास, आवास, स्कूल सुविधा की पूर्ति समय पर होती है तो बालक की मनोदशा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, दबावपूर्ण परिस्थितियां या सफलताओं का अभाव, जैसे लैक ऑफ अनसक्सेसफुल एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि यदि बच्चे को निरंतर असफलताएं मिलती रहती हैं तो भी उसका क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक क्या होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी कि
बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। इसमें हमने पढ़ा आत्ममूल्यांकन, वो अपना तो सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि आत्ममूल्यांकन अच्छे से करेगा। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति अपने गुणों और सीमाओं को सही सही समय पर मूल्यांकन कर सकता है, जैसे उसमें कौन कौन सी योग्यता है और कितनी मात्रा में है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या योग्यताएं हैं उसे, और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को क्या है अपनी योग्यताओं का साफ साफ पता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टेबिलिटी यानी कि समायोजनशीलता, जिसे एडजस्टेबिलिटी या समायोजनशीलता क्या है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, एडजस्ट होने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। वो उसका जो कोई भी अगर उसके घर में जो भी इन्वायरमेंट है वो उस एनवायरमेंट में क्या है अपने आप को ढालने की कोशिश करे, पर घर के नहीं कहीं ऑफिस में स्कूल के एनवायरमेंट को उसमें क्या है ढालने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है इमोशनल मैच्योरिटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, इमोशनली मैच्योर भी होते हैं, यानी कि इमोशनली मैच्योरिटी होती है उनके अंदर। अगर उनसे उनके पास से कोई चीज कहीं हो गई है या फिर कोई सुख दुख में क्या रखना है अपना, इमोशनल स्टेबल रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है रियल सेल्फ मैच्योरिटी, यानी कि वो क्या है सेल्फ मैच्योर है, ठीक है। उनके जीवन में शांति संतुष्टता और सुखी व सक्रिय होते हैं, ठीक है। फिर क्या है नियमित जीवन। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का जीवन पर्याप्त रूप से नियमित होता है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या नियमित तथा समय और संस्कृति की परिस्थितियों के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे जैसे वो उनकी संस्कृति है, जैसे उनकी कस्टम्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पर्याप्त सामाजिकता तथा बहिर्मूर्खता। बहिर्मूर्खता का मतलब है मानसिक रूप से स्वास्थ्य स्वार्थी व अंतर्मुखी न होकर प्राय मिलनसार होते हैं। मीन्स क्या है, वो स्वार्थी और अंतर्मुखी नहीं है, वो अपने बात वो अपने दिल में कोई बात ऐसे सबसे छुपा के या कुछ ऐसा नहीं रखते हैं, वो सबके साथ मिलनसार विनोदी तथा सामाजिक होते हैं। इस व्यवहार से प्रसन्नता कुशलता व सहायता समर्थन होता रहता है, ठीक है। फिर क्या है अतिशय का अभाव यानी कि एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक प्रकार की अतिशयता का अभाव पाया जाता है, वह न अधिक सम्मान पाना चाहता है न अधिक प्रतिष्ठा पाना चाहता है, ठीक है। उसे ज्यादा सम्मान या प्रतिष्ठा की उसके अंदर भावना नहीं होती, ठीक है, ना ही वो अधिक कामुक होता है ना ही अधिक संवेगी होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक अथवा वास्तविक प्रतीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन। वो अपनी लाइफ के रियलिटी से मिलकर रहता है, ये नहीं वो फैंटेसी में रहता है कि हाँ मैं यहाँ मैं विदेश में जाऊंगा, मतलब अपने अपने एनवायरमेंट के अनुरूप क्या है उसके क्या है अपने अपनी इच्छाएं होती है, ठीक है। फिर क्या है मानसिक अंत द्वंद्व का अभाव यानी कि लैक ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। उसके मन में किसी प्रकार के कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलते रहते हैं किसी काम को लेके, जैसे कई लोगों के मन में चलते हैं हम शब्द करें या नहीं करें, तो ये क्या है उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन होगा अगर उसे कहीं जाना है तो उसके मन में वो चीज नहीं होगी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर उसे जाना है तो वो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, यानी कि लैक ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है सिंसियरली एंड स्पॉन्टेनियसली। से व्यक्ति के व्यवहार में क्या है मिथ्याचार का अभाव पाया जाता है, वो किसी से झूठ नहीं बोलते ना ही वो अधिक सम्मान पाना चाहते हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति छल व कपट से दूर रहकर सहज स्वाभाविक व्यवहार रखते हैं, ठीक है। फिर क्या है स्वास्थ्य जीवन दर्शन यानी कि हेल्दी लाइफ फिलोसफी। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन दर्शन में केवल व्यक्तिगत हित ही निहित नहीं रहता बल्कि उसमें सामाजिक व मानव कल्याण का भी दृष्टिकोण सम्मिलित होता है, यानी कि वो क्या है हेल्दी लाइफ फिलोसफी को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या है वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए नहीं जीते, बाकी वो सबको समाज के सभी लोगों के सुख दुख का ध्यान रखते हुए अपने काम करते चले जाते हैं। आगे हाई मोरल, इन व्यक्तियों का जीवन संघर्षों के प्रति मनोबल का स्तर भी उच्च रहता है।
भयानक स्थिति में भी अपने धैर्य नहीं खोते, क्योंकि वह जानता है मन के हार जाने से व्यक्ति की हार होती है और मन के जीतने से उसकी जीत होती है। ठीक है, तो उसका मोरल का जो लेवल होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। फिर क्या है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, मेंटली हेल्थी पर्सन के अंदर क्या होता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है। वो अपने आप को समाज में जाके अनसिक्योर्ड महसूस नहीं करता है, वो अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करता है। फिर क्या है, जीवन लक्ष्य का चयन, सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के समाज के मूल्य आकांक्षाओं, परिवार और संस्कृति की मान्यता तथा परिस्थिति के अनुसार ही जीवन लक्ष्य का निर्धारण करता है। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति है वो क्या करेगा कि जो अपने गोल्स हैं उसको अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी आकांक्षा और अपने परिवार के अनुसार वो अपने गोल सेट करेगा। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं क्या थी, एक मेंटली हेल्दी पर्सन की थी। ठीक है, तो और फिर कोई डाउट है क्लास? Class, any doubt? No, ma'am. फिर देखिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है देखिए डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम समाज में रहते कुछ चीजों से अपने आप को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। ठीक है, डिफेंड करते हैं यानी कि उससे अपनी रक्षा करते हैं, समायोजन करते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए गए हैं, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के यहाँ टाइप थ्री हैं, जैसे प्रधान युक्तियां और गौण युक्तियां, जिसे क्या बोलते हैं, मेजर मैकेनिज्म एंड माइनर मैकेनिज्म। तो मेजर मैकेनिज्म में क्या आता है, दमन, जिसे क्या बोलते हैं, रिप्रेशन, देन है रूपांतरण, जिसे बोलेंगे कन्वर्जन, फिर है उदत्तीकरण, जिसे बोलेंगे सब्लिमेशन, फिर है युक्तिकरण, जिसे बोलेंगे रेशनलाइजेशन, फिर है प्रतिगमन, जिसे बोलेंगे रिग्रेशन, फिर है प्रतिक्रिया निर्माण, जिसे बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर गौण युक्तियां यानी कि माइनर मैकेनिज्म में आते हैं आत्मीकरण, जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, अंतःक्षेपण जिसे बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन, फिर है नेक्स्ट स्थानांतरण जिसे बोलेंगे ट्रांसफर, फिर है क्षतिपूर्ति जिसे बोलेंगे कंपनसेशन, फिर नेक्स्ट है प्रत्याहार जिसे बोलेंगे विड्रॉल, नेक्स्ट है कल्पनाकरण जिसे बोलेंगे फैंटेसी, फिर है विस्थापन जिसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, देन पलायन यानी कि फैंटेसी, फिर नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविज्म। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या दी गई है, डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप किए गए हैं जिसे बोलते हैं मेजर मैकेनिज्म एंड माइनर मैकेनिज्म। तो इसके टाइप्स हैं यहाँ पे। फिर क्या है, यहाँ पे अब क्या बताया गया है, प्रधान युक्तियों के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा मेजर मैकेनिज्म। ठीक है, तो मेजर मैकेनिज्म में फर्स्ट क्या है, दमन यानी कि रिप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति चेतन स्तर पर जिन अनैतिक व असामाजिक आवेगों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, उनको चेतन शीघ्र व सहज रूप से अचेतन में धकेल देता है। इस प्रक्रिया को दमन कहते हैं, इसे चयनात्मक विस्मरण भी कहा जाता है। दमन प्रक्रिया स्वतः ही होती है, इसके तीन रूप है, रिग्रेशन, सप्रेशन एंड इनहिबिशन। ठीक है, इसमें क्या मतलब हुआ, दमन का, रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ये ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें दुखदायक प्रवृत्तियों और स्मृतियों को जबरदस्ती व बलपूर्वक चेतना क्षेत्र से निकलने को शमन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी चीज को क्या है, भूलना, रिप्रेस्ड करना। ठीक है, जानबूझ के अगर किसी भी व्यक्ति की किसी लाइफ में कोई भी घटना हो गई है तो उसे जानबूझ के क्या करना, रिप्रेस्ड करना। ठीक है, उसे भूलने की कोशिश करना, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है,
ओके नेक्स्ट है रूपांतरण. रूपांतरण क्या होता है? कन्वर्जन, जिसे कहते हैं मानसिक अंग द्वंद्व को समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में होता है, रूपांतरण कहते हैं, जिसे व्यक्ति के ईगो द्वारा द्वंद्व को खत्म या दमन करने की कोशिश की जाती है, जैसे परीक्षा के दिनों में दस्त लगना, अत्यधिक तनाव में उल्टियां आना. ठीक है, इसमें क्या है? कन्वर्जन यानी कि मानसिक जो अंत द्वंद्व है, ठीक है, उनका समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में होना. जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उनके क्या है एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्स में क्या है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे कि भाई मेरा एग्जाम है एग्जाम है, कि उसको क्या है उल्टियां होने लग जाएंगी, कई बार दस्त होने लग जाएंगे, जिससे क्या बोलेंगे रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन. इसे ही बोलते हैं मानसिक अंत द्वंद्व का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में होना, उसे रूपांतरण कहते हैं. नेक्स्ट है उदत्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन, अभिव्यक्त नहीं करने वाली प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप से सक्रिय प्रवृत्ति में बदल जाना उदात्तीकरण कहलाता है. समाज द्वारा यह प्रेरणा से सक्रिय किया जाता है. मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन्हें क्या है क्या नहीं कर सकते हैं, सब्लिमेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कर लिया जाता है स्वक्रिय उसे स्वीकार कर लिया जाता है. ठीक है, उदात्तीकरण जिसे बोलते हैं उदत्तीकरण. सो सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस. ठीक है, नेक्स्ट है युक्तिकरण जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन. इसमें व्यक्ति अपने हर कार्य को उचित ठहराने तथा गलती को मानने के स्थान पर कुछ बहाने बनाता है. ठीक है, युक्तिकरण रैशनलाइजेशन, नाम से ही क्लियर है क्या है, युक्तियां करना. अगर परीक्षा में किसी किसी भी स्टूडेंट के कम नंबर आए हैं तो वो क्या लगाएगा, परीक्षक पर दोष लगाएगा, या तो फिर क्या है किसी बीमारी का बहाना लेगा. ठीक है, कि मुझे उस टाइम पे मेरे पेट में दर्द हो गया था, मेरे सर में दर्द हो गया था, या तो फिर क्या था परीक्षक ने मुझे कम टाइम दिया, तो इसे क्या बोलेंगे रैशनलाइजेशन. अपनी किसी भी गलती के लिए क्या करना, दूसरे पर प्रत्यारोपण करना, जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन. फिर क्या है प्रतिगमन, जिसे बोलेंगे रिग्रेशन. प्रतिगमन का मतलब है आप पीछे की ओर लौटना. इसमें व्यक्ति तनाव से दूर रहने के लिए बचकानी कार्य करता है और वास्तविक सच से दूर रहना चाहता है और दूसरों पर आश्रित रहता है. ठीक है, इसमें क्या है प्रति पीछे की मतलब इसमें क्या है तनाव से दूर रहना. ठीक है, जो कंडीशन है उससे दूर रहने के लिए क्या करेगा वो बचकानी यानी कि बच्चों वाली हरकतें करेगा और अपनी वास्तविकता से दूर रहकर और दूसरों पर क्या रहेगा आश्रित रहेगा. ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण जिसे बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन. इसमें व्यक्ति अपनी कुंठित इच्छा के कारण उत्पन्न होने वाले द्वंद का समाधान इच्छा के विपरीत करता है. रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या है विपरीत अपनी इच्छा के विपरीत कोई भी काम करेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए क्या है आइडेंटिफिकेशन. माइनर मैकेनिज्म आएगा. फर्स्ट है आत्मीकरण जिसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन. सो आत्मीकरण में व्यक्ति अपने अंतः समूह में उपलब्धियों को समझकर अपने व्यक्तित्व सफलता निराशा एवं असुरक्षा का समाधान अचेतन रूप से करता है. इन उपलब्धियों में वह अपने पिता या दादा की अधिक चर्चा करता है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आत्मीकरण, जैसे कोई भी ग्रुप में बैठ के कोई भी व्यक्ति अपने दादा पापा का क्या करे बहुत ज्यादा उनका बखान करते हुए क्या करे कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने की क्या करे कोशिश करे, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट है प्रक्षेपण जिसे बोलते हैं प्रोजेक्शन. इस रक्षा युक्ति द्वारा व्यक्ति अपने दोषों तथा कमियों को दूसरों पर थोपता है एवं स्वयं संतोष का अनुभव करता है. ऐसे व्यक्ति अपना अहम बचाने के लिए करते हैं. ठीक है, प्रोजेक्शन यानी कि कोई भी अपनी गलती क्या करे किसी और पे थोप दी, प्रोजेक्ट कर दिया और खुद क्या है संतोष का अनुभव कर रहे हैं. फिर है अंतःक्षेपण जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति अपनी निराशाहीनता दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के समूह के गुण को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेता है, जिससे उसकी हीन भावना कम हो जाती है. ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपनी कोई भी वो किसी भी चीज से निराश है और हीन है. ठीक है, तो वो क्या मान रहा है किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के गुण को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेता है. ठीक है, इसमें क्या है वो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या है दूसरे व्यक्ति का समूह को या उसके गुण को क्या है अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेता है, जिससे उसकी क्या है हीन भावना क्या हो गई कम हो गई. इसे क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. फिर क्या है स्थानांतरण जिसे बोलते हैं ट्रांसफर.
इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चीज पर अपने प्रेम गुस्सा तथा घृणा दर्शाता है, जिससे व्यक्ति के संवेग दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्या है, कोई बच्चा है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने क्या करा, ग्लास पकड़ उठा के तोड़ दिया। इसमें क्या है, उसका गुस्सा किसी और चीज पर क्या हो गया, केंद्रित हो गया। फिर क्या है, क्षतिपूर्ति जिसे बोलते हैं कंपनसेशन, यह रक्षा युक्ति, हीनता और अनुपयुक्तता की भावना से सुरक्षात्मक प्रयास है। क्षतिपूर्ति के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति में व्यक्ति हीन भावना को छिपाता है और अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति में व्यक्ति हीन भावना को छिपाने की कोशिश करता है। कंपनसेशन यानी कि कोई भी उसे हीन भावना है तो हीन भावना को वो क्या करेगा, उसे छुपाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब है, प्रत्याहार का मतलब है कि रक्षा युक्ति के माध्यम से व्यक्ति चिंता, निराशा एवं असफलता देने वाली परिस्थितियों से अपने को अलग कर लेता है। इस प्रकार में निराशा व मानसिक क्या रहता है, बचा रहता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें है फिर है फैंटेसी। फैंटेसी क्या है, व्यक्ति अपनी कल्पना, तरंग व स्वप्न में अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करता है। इसमें वह वास्तविक दुनिया से दूर कल्पना की दुनिया में जीता है। वह कई कल्पनाएं बनाता है और उन्हीं कल्पनाओं में अपनी अपने को खुश रखता है। फैंटेसी यानी कि क्या, सपनों की दुनिया में रहना, इसे क्या बोलते हैं, फैंटेसी। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें किसी प्रेरणा तथा संवेग को वास्तविक लक्ष्य से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर विस्थापित कर देना। डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है, किसी प्रेरणा को, संवेग को वास्तविक लक्ष्य से हटा दिया और किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु पर उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया या चेंज कर दिया। जैसे दूसरों का गुस्सा घर में किसी सदस्य पर निकालना, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या है पलायन जिसे बोलेंगे एस्केप। कभी कभी व्यक्ति असफलता या कोई कमी रहने कमी काम नहीं करने के कारण पलायन कर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कामचोरी छिपाने के लिए शराब का सहारा लेता है, तो क्या बोलते हैं, एस्केप। ठीक है, क्या है, उसके किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी है या कोई असफलता है उसके अंदर, तो वो क्या, कई व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि शराब पीना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नकारात्मकता जिसे बोलेंगे निगेटिविज्म। फिर क्या है, नकारात्मकता का अर्थ है दूसरे की इच्छाओं के विपरीत काम करना। यह आदर बच्चों में पाई जाती है। कभी कभी रोगी भी यह हरकत करता है, वह डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेता और उनके आदेशों की अवहेलना करता है, जिसे बोलते हैं निगेटिविज्म। निगेटिविज्म में क्या होता है कि दूसरे की इच्छा, अगर कोई हमें कोई भी क्या दे रहा है, कोई भी ऑर्डर दे रहा है, तो हमें वो ऑर्डर ना मान के कोई और काम करना, उसके विपरीत काम करना, जिसे बोलते हैं निगेटिविज्म यानी कि नकारात्मकता। तो क्लास क्लियर about the defense mechanism, clear? Clear students? Yes, ma'am.